अभी हम चलते हैं घोड़ाखाल मंदिर। ये है भाई स्कूटी जो मैंने अभी सेकंड हैंड ली है। भाई ये है कुछ छोटा सा वाटरफॉल जो कि आप देख रहे हो मेरे पीछे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आ चुका हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ, और काफ़ी टाइम बाद आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि भाई व्लॉग नहीं आ रहे, व्लॉग नहीं आ रहे, व्लॉग बनाओ। तो आज आप सभी लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेके आ चुका हूँ। आजकल नवरात्रि अभी चल रही है, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभ अवसर पर मैंने अपने लिए एक सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदी है। फर्स्ट हैंड तो भाई मेरा बजट नहीं है, लेकिन मैंने सेकेंड हैंड स्कूटी अपने लिए खरीदी है, वो आप सभी लोगों को अभी मैं दिखाऊँगा। स्कूटी है एक्सिस 125 2010 मॉडल, और भाई आज उस स्कूटी से हम जा रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर, जो कि आपका भवाली से आगे ही पड़ता है। तो आज घोड़ाखाल मंदिर जाते हैं अपनी स्कूटी में पहली राइड पे। तो आप सब लोगों को इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे, बाकी स्कूटी भी आप सब लोगों को दिखाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए, मेरे आने वाले ब्लॉग की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अभी हम चलते हैं घोड़ाखाल मंदिर, आप सभी लोगों को भी इस ब्लॉग में दिखाते हैं। आज अपनी पहली राइड करते हैं स्कूटी में जो अपने सेकेंड हैंड खरीदी है, बाकी आप सभी लोगों को स्कूटी भी दिखाते हैं आगे। बने रहे पूरे एंड तक इस ब्लॉग में। तो गाइस अभी फिलहाल हम निकल रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर के लिए, और आप सभी लोगों को मैं स्कूटी दिखाता हूँ जो मैंने अभी सेकंड हैंड स्कूटी खरीदी है अपने लिए, वो एक बार आप सभी लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये है भाई स्कूटी जो मैंने अभी सेकंड हैंड ली है। बस इसी को लेके अभी हम घोड़ाखाल मंदिर जा रहे हैं, बाकी आप सभी लोगों को दिखाएंगे हम इस ब्लॉग में। बने रहिए पूरा एंड तक का इस ब्लॉग में, बाकी आप सभी लोगों को सिनेमेटिक दिखाता हूँ स्कूटी की एक बार, फिर हम निकलते हैं घोड़ाखाल मंदिर के लिए। गाइस फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर के लिए, साथ में हमारे गौतम जा रहा है, खालिद जा रहा है, सुधांशु जा रहा है। अपने साथ दो स्कूटी जा रही है, इसमें खालिद और सुधांशु जाएंगे, एक में गौतम और मैं जाएंगे। बाकी अभी निकलते हैं घोड़ाखाल मंदिर के लिए, आप सभी लोगों को भी हम रास्ते से पूरा दिखाएंगे। मंदिर है पूरा एंटर के ब्लॉग में। गाइस अभी हम निकले थे घोड़ाखाल मंदिर के लिए, और अभी रास्ते में हमें हमारे साथ एक नया दोस्त हमारा आ चुका है, मयंक। ये मयंक भी हमारे साथ जा रहा है, गौतम अपने साथ है, बाकी सुधांशु और अभी खालिद आ रहे हैं। बाकी यहाँ से आप सभी लोगों को हम व्यू दिखाते हैं, और चश्मा बताना कैसा लग रहा है मेरा, नहीं सुधांशु का है। बाकी यार अभी हम घोड़ाखाल मंदिर जाएंगे, आप सभी लोगों को दिखाएंगे, बाकी यहाँ का व्यू चेक करें। सो गाइस फाइनली सुधांशु और खालिद भी पहुंच चुके हैं। बाकी यार यहाँ व्यू काफ़ी बढ़िया है, अभी यहाँ का व्यू आप सब लोगों को दिखाते हैं। बस थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, यहाँ बढ़िया व्यू हो रहा है, अभी आराम से जाएंगे घोड़ाखाल। और आज मेरी सेकंड हैंड स्कूटी की पहले ट्रिप पे, अच्छे से जाते हैं, अच्छे से आएंगे घर, बाकी आप सभी लोगों को ब्लॉग में हम दिखाएंगे। सो गाइस फाइनली फोटो वोटो तो सब ने खिंचा लिया, बाकी अभी हम निकल रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर के लिए। और स्कूटी में भाई मेरे को सबसे बढ़िया लगा है इसका हॉर्न, इसका हॉर्न सुनाते हैं आप सभी लोगों को एक बार। ये देखो भाई इसका हॉर्न ही बढ़िया लग रहा है, और भाई व्यू भी काफ़ी बढ़िया है। अब चलते हैं घोड़ाखाल मंदिर, सीधे थोड़ा बहुत रह गया, भीमताल आने वाला है, उसके बाद घोड़ाखाल निकलते हैं, अच्छे से इन्जॉय करते हैं आज का दिन। तो बने रहे पूरे एंड तक इस ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भीमताल, अभी हम यहां से निकल रहे हैं घोड़ाखाल के लिए। थोड़ा सा भीमताल आपको दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत हमने फोटो वोटो खिंचा लिया, बस अब निकलते हैं घोड़ाखाल मंदिर, साथ में हमारे कल्लू भी आया था, बाकी अभी चलते हैं घर को, भाई आगे मिलते हैं आपसे। सो गाइस पहुँच चुके हैं भवाली, अभी हम जा रहे हैं साथ में भाई लोग अपने अभी यहीं हैं, और यहाँ से व्यू चेक करो आप, बहुत बढ़िया व्यू है। मौसम भी यहाँ काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है, अभी हम जाएंगे घोड़ाखाल मंदिर, आप सभी लोगों को दर्शन कराएंगे मंदिर के, और अपनी स्कूटी में तो भाई बढ़िया करके चल रहे हैं हम। और अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का, बताते रहेंगे जो भी सीन होगा आप सभी लोगों को बताएंगे, एंड तक बने रहिए इस वीडियो में।
गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं घोड़ाखाल मंदिर। अभी अंतरा रख के आपको दिखाएंगे, बाकी प्रसाद वरसाद लेके आते हैं अभी चढ़ाने के लिए। बाकी यह है पर रास्ता मंदिर का, यहाँ अपनी स्कूटी हमने यहाँ खड़ी कर दी। सो गाइस फाइनली पहुंचे थे हम घोड़ाखाल गोलजी देवता के मंदिर, दर्शन हमने कर लिया, काफ़ी बढ़िया लग रहा मंदिर में आके। बाकी आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत मैं मंदिर दिखा रहा हूँ। फाइनली मंदिर से हम आ चुके हैं और मंदिर से हम लाए चुनरी, जो कि अभी हम आगे अपनी स्कूटी बांधेंगे। सो गाइस फाइनली यहाँ चुनरी हमने बांध दी है, बाकी अभी निकलते हैं घर को। हम अभी घर को निकलते हैं, अब बाकी रास्ते से आपको व्यू दिखाएंगे बढ़िया। और कोहरा देखो यहाँ, काफी कोहरा आ रहा। गाइस अभी रुके हम यहाँ चाय पीने के लिए, इसके बाद चलेंगे हम घर को। बस यहाँ से व्यू देखो आप। तो गाइस फाइनली निकल रहे हम काडूधाम के लिए, और रास्ते में हमें छोटा सा वाटरफॉल दिखा, यहीं पे हम फोटो वोटो खिंचाते हैं, इसके बाद निकलते हैं। और भाई ये ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे हैं तीन के तीन। यह है वाटरफॉल, यहाँ फोटो वोटो खिंचाते हैं फिर चलते हैं। हो गया हो गया, बस गाइस यह है कुछ छोटा सा वाटरफॉल जो कि आप देख रहे हो मेरे पीछे। बाकी अभी चलते हैं हम घर को, मिलते हैं आपसे रास्ते में, बाकी दिखाते रहेंगे। सो गाइस फाइनली अभी हम घर के लिए निकले थे और अभी हम पहुंचे हैं जूलीगढ़ से थोड़ा पहले पहले, और भाई धूप का आनंद ले रहे हैं, भाई धूप आ रही है, यहाँ हो रहा है ठंडा, तो भाई धूप के मजे ले रहे हैं हम। ठंडा बहुत हो रहा था, धूप के मजे लेते हैं थोड़े से यार, काफी इंजॉय करते वाले रास्ते में हम बढ़िया करके। बाकी देखो भाई सूट चल रहा है यार, ये देखो भाई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है ये देखो। बस यार अभी चलते हैं घर को, तो आपको बताएंगे। बाकी अपनी यहाँ स्कूटी ये है, ये अपनी स्कूटी और एक खालिद की स्कूटी है, इसी में हम चार जने आए थे बढ़िया करके, ज़्यादा रास्ते में एक और हो गया था पांच। अभी हम घर को जा ही रहे थे और अभी हम पहुँचे हैं वीरभट्टी के पुल में, जो अभी नया बना था वो आप सभी लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये भाई वीरभट्टी का पुल है और नीचे रिवर का व्यू बहुत बढ़िया है, और यहाँ से भी व्यू काफ़ी बढ़िया है, देखो नीचे का व्यू देखो आप। बस अब निकलते हैं घर को, मिलते हैं आपसे रास्ते में। सो गाइस फाइनली मंदिर से मैं घर आ चुका हूँ। आज अपनी स्कूटी पर हम गए थे घोड़ाखाल मंदिर, थोड़ा बहुत घूमे, अच्छे से इंजॉय करा आज का दिन। आप सभी लोगों को भी इस ब्लॉग मैंने दिखाया, आई होप कि आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, आगे जाके और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।